सुशांत सिंह राजपूत की कंट्रोवर्शियल मौत में इस वक्त सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का सामने आ रहा है। लोग तो सोशल मीडिया पर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया को सुशांत की मौत की वजह भी बना चुके हैं। हालांकि इस मामले में छानबीन अभी भी जारी है। रिया के वकील सतीश मनचंदे ने एक इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने सुशांत की मौत से पहले रिया के सुशांत के घर से जाने का कारण भी बताया। उनके मुताबिक सुशांत लगातार अपनी फैमिली को फोन करते थे और उनके साथ आकर रहने के लिए भी कह रहे थे। सुशांत कई बार फोन पर रोते भी थे। इसके बाद उनकी बहन मीतू 8 जून को उनके साथ आकर रहने के लिए तैयार हुई। इसके बाद सुशांत ने उस दौरान रिया को अपने परिवार के साथ रहने के लिए कहा। हालांकि रिया अपने परिवार से मिलना चाहती थी मगर वो सुशांत को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर सुशांत के कहने पर वो वहां से चली गई थी। सतीश ने सुशांत की बहन प्रियंका से जुड़ी एक और घटना के बारे में भी खुलासा किया। चपरिया और सुशांत एक दूसरे को नए नए डेट कर रहे थे। तब सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ भी सुशांत के घर पर ही रहते थे। एक बार प्रियंका और रिया एक क्लब में गई थी जहां प्रियंका ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की, जिसके बाद वो वहां मौजूद लोगों के साथ गलत सलूक करने लगी, जिसके बाद रिया उनके साथ वहां से सुशांत के घर चली गई। रिया ने बताया कि वहां से आने के बाद भी सुशांत और प्रियंका लगातार ड्रिंक करते रहे। हालांकि अगली सुबह एक शूटिंग होने की वजह से रिया वहां से उठकर सोने के लिए चली गई, मगर रात जब अचानक उठी तो प्रियंका उनके साथ बेड में मौजूद थी और अचानक उनके साथ लिपटने लगी। रिया ने इसके बारे में सुशांत को भी बताया था, जिसके बाद सुशांत का प्रियंका से झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद रिया और सुशांत के परिवार के बीच रिश्तों में खटास आ गई। इसी के चलते सुशांत के अंतिम संस्कार पर शामिल होने वाले 20 लोगों में भी रिया को नहीं बुलाया गया। हालांकि इस पर सुशांत के परिवार के वकील ने इस बात को सिरे से नकारते हुए बताया कि सच से एकदम विपरीत है, ये एक मनखड़त कहानी थी और इस घटना के लिए सुशांत ने प्रियंका से माफी भी मांग ली थी। सुशांत के मामले में हर रोज नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो इस मामले को और उलझाती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला आखिर कहां खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।